केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बल्लेबाजी से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का मुंह टूटा, पहुंचा अस्पताल, लगे कई टांके। ये कारनामा हुआ रीवा में नव निर्मित क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन के बाद, जब सिंधिया बल्लेबाजी कर रहे थे, गेंदबाजी कर रहे थे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ईश्वर पांडे। उसी दौरान उनका एक शॉट हवा में गया, जिसे लपकने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी के नेता ने। गेंद तो वो लपक नहीं पाए, गेंद उनके मुंह में लगी। संजय गांधी अस्पताल में उनके चेहरे में कई टांके आए हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया की घातक बल्लेबाजी से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के चेहरे में कई टांके लगे। हम आपको बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज रीवा दौरे पर थे। रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के बाद, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री जबलपुर होते हुए वापस भोपाल लौट गए, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया MPCA द्वारा निर्मित स्टेडियम का उद्घाटन करने पहुँच गए। यहाँ से उनको सड़क मार्ग से प्रयागराज जाना था, वहाँ से उन्होंने स्पेशल प्लेन से दिल्ली का सफर करने का निश्चय किया था। स्टेडियम के उद्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री ने रीवा के शानदार टर्फ विकेट पर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। इस दौरान गेंदबाजी कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ईश्वर पांडे। श्री सिंधिया का एक शॉट हवा में गया, जिसको लपकने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता अपना चेहरा तुड़वा बैठे। वो गेंद के नीचे आए, कैच लपकने का प्रयास किया, कैच तो लपक नहीं पाए, गेंद सीधे उनके मुंह में लगी। तत्काल ही भाजपा नेता को सिंधिया ने संजय गांधी अस्पताल भिजवाया, जिसको वहां पर टांके लगाए गए, उनका उपचार किया गया। भाजपा नेता ने सिंधिया के इस शॉट को हवा में लपकने का प्रयास किया था, गेंद तो वह लपक नहीं पाए, नतीजे के रूप में गेंद सीधे उनके चेहरे पर आकर टकरा गई थी। चेहरा बुरी तरीके से घायल हो गया था। तत्काल ही उनको रीवा के संजय गांधी अस्पताल लेकर आया गया था। पीछे पीछे तमाम नेता सिंधिया सहित अस्पताल पहुंच गए। भाजपा नेता के चेहरे में कई टांके आए हैं, फिलहाल उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। हमने भाजपा नेता के करीबी से बात की। रीवा शहर से लगे इटौरा में बने माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण के अवसर पर बैटिंग करते समय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शॉट लगाया था। शॉट लपकने के चक्कर में दीनदयाल मंडल के उपाध्यक्ष विकास मिश्रा के चेहरे में गेंद लग गई। गेंद विकास मिश्रा के चेहरे में लगी, जिन्हें तत्काल ही संजय गांधी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनके चेहरे में टांके लगाए हैं, कई टांके लगे हैं। फिलहाल विकास मिश्रा की हालत बेहतर बताई जा रही है। जिस तरीके से सिंधिया बल्लेबाजी कर रहे थे, चारों तरफ लोग उनको घेर के खड़े हुए थे। गेंदबाजी ईश्वर पांडे कर रहे थे, वह भी लेदर बॉल से। इसी दौरान बल्लेबाजी करने के दौरान सिंधिया ने एक जोरदार शॉट मारा, जो हवा में चला गया था। उसी को लपकने के चक्कर में विकास मिश्रा के चेहरे में गेंद आकर गिर गई, कैच वो नहीं लपक पाए, नतीजे के रूप में उनके चेहरे में चोट लगी, जिसकी वजह से उनको संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। वहां उनके चेहरे में कई टांके आए हैं। हमने विकास मिश्रा के साथी से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। ये इटौरा में जो MPCA का नया ग्राउंड बना है, स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम जो बना है, वहाँ का माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उसका उद्घाटन करने गए हुए थे। वहाँ खेल के दौरान जो है तो अचानक कैच लेने के चक्कर में इनके बॉल लग गई है, सिंधिया जी ने मारा तो उसी दरमियान चोट लग गई है, हल्की चोट आई है। अभी माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हमारे विधायक रीवा के आदेशानुसार जो है तो यहाँ संजय गांधी में उपचार चल रहा है और स्ट्रिचेस लगे हैं, 8-10 स्ट्रिचेस लगे हुए हैं, अभी हालत ठीक बताई जा रही है। वो हमारे भाई हैं, विकास मिश्रा उनका नाम है, और अभी वो हमारे, मैं दीनदयाल मंडल का अध्यक्ष हूँ, वो हमारे दीनदयाल मंडल के उपाध्यक्ष हैं, और अभी सिंधिया जी भी आए थे उनको देखने, उनका हाल चाल जानने आए हुए थे संजय गांधी। माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी भी उनके साथ आए हुए थे। अभी उनकी हालत सही है। मेरा नाम धीरज द्विवेदी धीरू है। के लिए बॉलिंग कर रहे हैं ईश्वर पांडे, अंतर्राष्ट्रीय बॉलर। देखना लगे ना, रोकना रोकना। हाँ। ओ, ओके।
खेलों का शुभारंभ होता हुआ कैमरा वाले इनके तो बहुत दिक्कत, राजेंद्र रोक यार तुम पता ले उपाय।